What's up guys, welcome back to the channel, welcome back to the another new vlog. I hope you guys are doing absolutely well. तो अभी टाइम हो रहा है 9:20 और मैं निकल रहा हूँ घर से अभी. और पता नहीं क्या हो रहा है यार लाइफ में. सच में इतना गुस्सा आ रहा है ना मेरे को खुद के ऊपर कि मेरी कुछ कुछ गलतियाँ मेरे को अभी भी ऐसा लग रहा है कि भाई साहब क्यों हुई, किस वजह से हुई. सीरियसली गाइज ऐसा हो रहा है. इसका रीज़न भी मैं आप लोगों को बताता हूँ, बट पहले कवर निकालते हैं. इसको चालू करना थोड़ा मुश्किल वाला काम है, बट कोई बात नहीं, हो जाएगा आज. इसको ढक देते हैं पहले तो इसके ऊपर. क्या हुआ है, कैसे हुआ है, सब बताता हूँ मैं आप लोगों को. एंड किस वजह से हुआ है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ. इसको ढंग से लगा देते हैं इधर. यस, ये लग चुका है कवर इसका. इसको लगा देते हैं यहाँ पे. आगे से भी थोड़ा ठीक करना पड़ेगा भाई. आगे से तो पूरा ठीक है, कोई दिक्कत वाला काम नहीं है. यस, अभी इसको चालू करते हैं, बट सबसे पहले कपड़ा निकालना पड़ेगा. ये वाला कितने धूल मिट्टी पता नहीं क्या क्या यार. अब तो मैं बहुत ज़्यादा ही लापरवाह हो गया हूँ आजकल सारी चीज़ों को लेके. एंड ऊपर से हेल्थ, सच बोलूँ ना तो मेरे को बिल्कुल भी मूड नहीं था आज ऑफिस जाने का, बट क्या करें, जाना पड़ेगा. अगर नहीं गए तो सैलरी कटेगी अभी, वैसे भी कटने तो वाली ही है, कोई बड़ी बात नहीं है. हर महीने कुछ ना कुछ करके कट जाती है. लास्ट मंथ यूनिफॉर्म का बोल के, इस बार भी यूनिफॉर्म का. और अगर मैं ऐसे ही यूनिफॉर्म और बाकी सारी चीज़ों की वजह से कटवाता रहा तो भाई साहब मैं जो जाता हूँ ना ऑफिस, वो भी मेरे को अपनी सेविंग्स में से भी जाना पड़ेगा. ये भाई यार कितनी गंदी हो रखी है, कितनी यार. मैं हो ना यार जल्दी साफ हो यार. सो आज हम लोग इसको लेके जाने वाले हैं. आई होप कि अभी ये वाला आप लोगों ने देख लिया होगा. यस, ड्यू टू दिस ओनली मैं ऑफिस इसको लेके जा रहा हूँ. भाई प्लीज़ यार हो जा चालू यार, हो जा यार. अरे बहन ने इसका चोट भी बिगाड़ के रखा. भाई साहब मुझे पता ही था ये तकलीफ़ देने वाली है, फिर भी मैं आज इसको ही लेके जाऊंगा कुछ भी हो जाए. ये स्टार्टिंग में थोड़े नखरे करती है. यस, हो गई हो गई हो गई हो गई. यस, इधर चालू. दूसरे का एंगल कर देते थोड़ा ठीक. हो गया चालू. यस, तो अभी इसको लेके निकलते अपने ऑफिस के लिए. लेट हो गया वैसे भी. और सो निकल चुके हैं अपने घर से. और गाइस सच बोलूँ ना कि मेरे को आज ऑफिस जाने का इतना मन हो रहा है, इतना मन हो रहा है कि मैं क्या ही बोलूँ. बट रात को एक ऐसा इंसिडेंट हुआ ना भाई कि क्या ही बोलूँ. कल रात को मैं व्लॉग एडिट किया, अपलोड किया, सेट किया और सब कुछ करने के बाद मैं गया था सोने. मैं अच्छा से अच्छा खासा सो गया. रोज़ मैं
अपने पास पानी की बोतल भर के रखता हूँ, एंड कल मैं पानी की बोतल बिना भरे ही सो गया। एंड रात को मेरे को प्यास लगी तो मैंने पानी की बोतल उठाई पीने के लिए, बट पानी था नहीं। तो फिर मैं खड़ा हुआ और जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा खोलते ही मैंने राइट लेग की जगह पे लेफ्ट लेग मैंने आगे किया, और जो भाई साहब घुटने में दीवार लगी है, और वो भी घुटने में दीवार की एज लगी है भाई साहब, और इतना गंदा लगा है कि मेरे से चीख निकल गई। और भाई साहब मेरा इतना ही गंदा हालत थी कि क्या ही बोलूँ। बट फिर मैं रात को तो कुछ ज़्यादा पता नहीं चला, रात को तो मैं फिर सो गया पानी पी के। सुबह जब मैं जागा तब पैर इतना पेन कर रहा था, इतना पेन कर रहा था मैं कि मैं क्या ही बोलूँ। उसके बाद मैंने लगाया उसमें स्प्रे और साथ में दो तीन चीज़ें और लगाई, तब जाके मेरे को अच्छा हुआ। एंड अभी का सीन ये है कि पता नहीं कौन इतने मैसेजेस कर रहे हैं अभी बार बार, बट चलो मैसेजेस तो आते रहेंगे। एंड मैसेजेस मैंने कनेक्ट किए हैं अपने ब्लूटूथ के साथ, तो ब्लूटूथ के वजह से इसमें आवाज़ आती है। और ये मेरे खांसी है ना यार, ये खांसी का कुछ इलाज अभी ढूंढना पड़ेगा। वैसे भी तबीयत सच में बोलूँ ना यार कि खस्ता चल रही है, बहुत ज़्यादा ही खस्ता, अभी क्या ही बोलूँ। चलो छोड़ो, चलते हैं अभी ऑफिस। ऑफिस का सारा काम वाम निपटाता हूँ एंड उसके बाद आप लोगों से मिलता हूँ, क्योंकि 2-3 दिन के बाद ऑफिस जा रहा हूँ, तो बहुत सारा काम पेंडिंग है। तो जल्दी से पहुँचते हैं ऑफिस एंड आप लोगों को मिलता हूँ डायरेक्टली शाम को। सो फाइनली गाइज, राइट नाउ इट्स 8 in the evening और अभी अपन निकल रहे हैं घर की ओर, तो नहीं कहीं और चलेंगे, बैठेंगे बैठेंगे। आज अच्छे से तबीयत हुई है अपनी, तो अच्छे खासे मस्ती मजाक दोस्तों के साथ कहीं बैठेंगे, चिल करेंगे। बहुत टाइम हो गया कि हंसी खुशी दोस्तों के साथ बैठे नहीं हैं, तो आज वही दिन है। यस, तो चलते हैं। एंड आज है अभी ट्यूसडे, सो कल होगा वेनसडे, एंड वेनसडे के बाद तो भाई रहा बतना तो क्या ही बोलूँ, जन्नत मिल जा रही है थर्सडे को हर बार। और इस महीने भाई साहब छुट्टियाँ बहुत हो गई, 4 छुट्टियाँ हो गई, 3 से 4 छुट्टियाँ हो गई अपनी। लास्ट मंथ की 2 छुट्टी एक्स्ट्रा हो गई है, लाइक दैट वॉज 29th एंड नहीं 30th एंड 31st, तो 2 दिन की छुट्टी हो गई अपनी। और आज भी सेम वही, आज आ गया और अभी 1-2 दिन की छुट्टियाँ और लगेगी। भाई साहब बहुत ज़्यादा, इतनी छुट्टियाँ अगर मैंने एक साथ ले ली होती तो मम्मी पापा को मिल के आता यार। बाबू ये देख लो। सो क्या बोले, यहाँ तक आए हैं तो और थोड़ा कष्ट अपने को उठाना ही पड़ेगा। दूसरी जगह से अभी अपने को शूज़ लेने पड़ेंगे। अपने शूज़ मैं ऑफिस वाले पहन के आ गया, जो नहीं पहन के आने चाहिए थे, क्योंकि ऑफिस के शूज़ चेंज करने जाना है। और ये शूज़ पहन के मैं ज़्यादा नहीं चल सकता, का रीज़न है कि ये मेरे को बाइक चलाते वक्त तो मेरे को मोड़ना पड़ता है, वो मैं मोड़ नहीं पाऊँगा। सो फाइनली अभी अपन निकल चुके हैं एंड अभी अपने को चलना है दोस्तों को मिलने के लिए। काफ़ी दिनों बाद तबीयत ठीक है, अच्छी है। सोच रहा था भाई साहब कि मैं किसी को मिलने जाऊँ मिलने जाऊँ, बट फिर याद आया कि सब लोग आज यूए पे ही होंगे, क्योंकि सीआर ने वहाँ पे गोलियां का चालू किया है। तो मैंने सोचा चलो भाई नेकी और पूछ पूछ,
वहाँ चलेंगे, वहाँ पर बैठेंगे सारे दोस्तों के साथ, गप्पे वप्पे मारेंगे, थोड़ा माइंड फ्रेश होगा, ऑफिस का काम का जो आज लोड था वो भी थोड़ा सा हल्का रहेगा। जो बाकी अभी अपने चलते हैं, चिराग को मिलते हैं, बाकी कौन कौन आता है देखते हैं। तो यस चलते हैं वहाँ पे एंड आप लोगों को मिलता हूँ डायरेक्टली वहीं पे जाके। तो फाइनली मैं अभी निकल रहा हूँ यहाँ से, चलो बाय 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 बाय, सी यू सून। तो भाई साहब अभी अपने निकलेंगे यहाँ से, चलेंगे घर पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही टाइम हो गया है एंड इट्स ऑलमोस्ट 9:45, 10:15 की देरी है। अभी अपने चलेंगे घर पे और खाना बना के खाएंगे। यहाँ पर तो कुछ खाना वाना खाया नहीं अभी तक। सो अभी अपने चल रहे थे घर पे एंड बीच में है ये इतना ट्रैफिक दिख गया, और अपना गोप्रो भी चालू ही था तो सोचा कि चलो आप लोगों को भी थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। बाकी सिग्नल खुल चुका है तभी अपने चलते हैं। बहुत ज़्यादा ही पब्लिक इकट्ठी हुआ है ना, आप लोग देख सकते हो कितनी लंबी लाइन है, कितनी लंबी। ये भैया ने जैसे बोला कि कुछ प्रोविडेंट फंड का या फिर कुछ सैलरी का लेके कुछ है, तो उसकी वजह से ये इतनी बड़ी लाइन हुई है। बाकी मुझे तो नहीं आइडिया प्रॉपर इस चीज़ के बारे में क्या चल रहा है क्या नहीं, बट जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ ना भाई साहब, गवर्नमेंट की बसेस इतनी ज़्यादा खड़ी है और भी बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे, और दिस गाइस सच बोलो ना, ये 200-300-500 लोग नहीं, हज़ारों में लोग है फॉर श्योर। क्योंकि वहाँ पर हम लोग खड़े थे उतनी देर में, मैं 10-15 मिनट वहाँ पर खड़ा रहा, बट उतनी देर में कम से कम 600-700 लोग तो ऐसे ही निकल गए। भाई साहब इतनी ज़्यादा भीड़ तो मैंने आज तक अहमदाबाद में दिखी नहीं है। बाकी इसके बारे में अगर मुझे कुछ पता चलता है तो मैं घर पे जाऊंगा, रिसर्च करूंगा एंड इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा कल के व्लॉग में। बाकी अभी अपने चलते हैं घर पे, आज का जो ये व्लॉग है वो अपने यहीं तक रखते हैं, ज़्यादा लंबा अपने को करना नहीं है क्योंकि भाई साहब मैं थक गया हूँ, अभी घर पे जाके वीडियो भी एडिट करना है तो टाइम हो जाएगा बहुत ज़्यादा ही। बाकी गाइज आज का जो ये व्लॉग है वो अपने यहीं तक रखते हैं। आई होप आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया हो, पसंद आया तो डोंट फॉरगेट द लाइक बटन, नए तो सब्सक्राइब कर देना, और पुराने हो तो आप लोगों को डरले पता ही है करना है क्या, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाकी आप सब लोगों को मिलूंगा मैं नेक्स्ट व्लॉग में, वो बाय, टेक केयर, बी सेफ, राइड सेफ, स्टे फिट, सी यू एवरीवन इन द नेक्स्ट व्लॉग, साइनिंग ऑफ दिशांत।